जय शनि देव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखता हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूज्य पिताश्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं धन ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है जिसके सिद्धांतों को हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों की तपस्या से और रिसर्च कर हमारे धर्म शास्त्रों में अंकित किया है। मैं आज इन्हीं वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर और आज के ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों के आधार पर आपको आपका राशिफल बताने जा रहा हूं। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले एक साल में जो हमने आपसे जो प्यार पाया है, जो आपने अपने स्नेह और आशीर्वाद हमें दिया है, जिस कारण आज हम 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, सीधे 10,00,000 सब्सक्राइबर्स की जो आंकड़ा है उसको पार कर चुके हैं, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। प्रिय भक्तगणों, ऐसे ही आप सभी हमें अपना प्यार देते रहें और हमारी वीडियोस को पसंद करते रहें, यही हमारी आशा है। जिन भी भक्तगणों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही साथ मैं आज आप सभी को ये वचन देता हूँ कि जो भी व्यक्ति हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे, उसको शेयर करेंगे और उस पर अपना नाम लिख के कमेंट करेंगे, उन सभी के लिए हम कल अपनी मुख्य पूजा में भगवान विष्णु जी से और माता माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करेंगे कि आपके घर परिवार में, आपके जीवन में हमेशा ही सुख समृद्धि बनी रहे। मैं आशा करता हूं कि आप भारी से भारी संख्या में अपना कमेंट्स के माध्यम से हमें प्यार इस वीडियो को अवश्य ही दें। आज 29 अगस्त 2019 दिन गुरुवार, भाद्रपद मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज चतुर्दशी तिथि शाम 7:55 तक रहेगी और उसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:57 से लेकर 12:47 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको इसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल दोपहर 1:57 से लेकर 3:32 तक रहेगा। इस दौरान आप किसी भी शुभ कार्य को करने से परहेज करें। आइए आप जानते हैं कि मेष यानी कि एरीज राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज अपने पितृपक्ष के किसी व्यक्ति की सहायता लेने से आपको अपने व्यापार में लाभ होगा और आज आपकी इनकम में भी उससे इजाफा होगा। यदि आप ड्राइव करके ऑफिस जाते हैं तो आज आपके वाहन में खराबी आने से ऑफिस पहुंचने में आपको देर हो सकती है, जिससे आपको अपने बॉस से डांट फटकार भी सुननी पड़ सकती है। इसलिए मेरी आज सलाह है कि आज आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें। वाहन की मरम्मत के कार्य में भी आज आपका धन और समय दोनों व्यर्थ हो सकते हैं। आज आपकी माता जी का स्वास्थ्य बिगड़ने से आपकी मानसिक परेशानियां बढ़ जाएंगी। आज आप बाहर से तो शांत प्रतीत होंगे पर अंदर से विचारों की अस्थिरता के कारण आपके मन में एक तूफान सा होगा। आज नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। तो चलिए अब जानते हैं कि वृषभ यानी कि टॉरस राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज आपके भाई को किसी दुर्घटना में चोट फाट लग सकती है, इसलिए आज आप सावधान रहें और उनकी हिफाजत करें। आज आपकी पर्सनैलिटी से पहली ही नजर में लोग इंप्रेस हो जाएंगे, जिसका फायदा आप हर एक क्षेत्र में महसूस करेंगे। आज आपकी पॉजिटिव वाइब से लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे।
आज आपके विनम्र स्वभाव आपको वर्क प्लेस पर कर्मचारियों के बीच प्रशंसा का पात्र बना देगा। आज आपकी तीव्र बुद्धि और एनालिटिकल स्किल्स आपके बॉस को प्रभावित कर देंगी, जिससे आपके प्रमोशन के अवसर भी खुल जाएंगे। परंतु आज जिन भी लोगों को आप अपना मित्र समझते हैं, वे आज आपकी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं और आपको ठगने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए आज आप सावधान रहें और बिना सोचे समझे किसी की भी बातों में ना आए। आज विशेष तौर पर आप अपने मित्रों को उधार देने से परहेज करें। आज वृषभ राशि वालों, अगर आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं तो आपको अपने हाथ में अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए एक मंत्र से प्राण प्रतिष्ठित हीरे की अंगूठी या उसका सब्स्टिट्यूट अवश्य करना चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूँ। चलिए अब जानते हैं कि आज का दिन मिथुन यानी कि जेमिनी राशि वाले जातकों के लिए कैसे रहने वाला है। आज आपके ससुराल पक्ष के लोगों को धन हानि उठानी पड़ सकती है। आज आप मानसिक तौर पर परेशान रहेंगे, जिस कारण आप अपने कार्यों में रुचि नहीं ले पाएंगे। छोटी छोटी अड़चनें भी आज आपको बहुत बड़ी प्रतीत होंगी और मनोबल गिरने से आप अपने आप को असमर्थ महसूस करेंगे। इसलिए आज आपको जरूरत है कि आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं, क्योंकि आज वही आपकी हौसला अफजाई करके आपको प्रोत्साहित करेंगे। आज आप अपने घर की सुरक्षा पर ध्यान दें। आज आपके घर में चोरी होने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर संभव हो तो घर लॉक करके ज्यादा देर के लिए ना जाएं और अपने पड़ोसियों से भी आपके घर का ध्यान रखने के लिए कहें। आज आप लंगर ग्रहण करने से परहेज करें। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 1 स्टार देता हूं। चलिए अब जानते हैं कि कर्क यानी कि कैंसर राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज आपका शक्की स्वभाव आपके लाइफ पार्टनर से अनबन करा सकता है और आज आप दोनों के बीच में मन मुटाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। आज आपको अपने लाइफ पार्टनर को पर्सनल स्पेस देने की आवश्यकता है। आज अपना नया व्यापार प्रारंभ करने के लिए आपका दिन शुभ नहीं है और यदि आज आप अपना व्यापार शुरू करते हैं तो वह जल्दी ही ठप पड़ जाएगा और आपका इन्वेस्टमेंट व्यर्थ हो जाएगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी आज जॉब स्विच करने का ख्याल मन से निकाल देना चाहिए। यदि आप अपने करियर में जॉब प्रमोशन ट्रांसफर या यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है या बार बार आपको व्यापार बदलना पड़ता है, ऐसी किसी भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और मुझसे यानी कि स्वामी राजर्षि से ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे आपके करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे और आपके व्यापार में भी अत्यधिक सफलता आपको प्राप्त होगी। आज दुर्गा माता की उपासना करने से और कुआरी कन्याओं की सेवा करने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 1 भी स्टार नहीं दूंगा। चलिए अब जानते हैं कि सिंह यानी कि लियो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा। आज पेट के विकारों के कारण आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है और आप अपने कार्यों के निर्वाह अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार नहीं कर पाएंगे। आज आपको तला भुना खाना भी अवॉइड करना चाहिए। यदि आपकी बेटी है तो आज उनका भी स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, जिससे आपको मानसिक परेशानियां भी उठानी पड़ेंगी और आपका धन और समय भी नष्ट होगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे आए दिन बीमार ही रहते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ रहा है, तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और गुरु रजनीश ऋषि जी या गुरु मां रुक्मिणी द्वारा अपनी कुंडली दिखवाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे उनका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और वे पढ़ाई में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। अभी आपको कुछ दिनों तक लाल रंग के पिलो कवर्स का प्रयोग करना चाहिए, इससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। सिंह राशि वालों, अगर आपका अपना मकान नहीं है और आप जल्द से जल्द अपना सपनों का मकान खरीदना चाहते हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित मूंगे की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि
आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको एक स्टार देता हूँ। चलिए अब जानते हैं कि कन्या यानी कि वर्गो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपका स्वास्थ्य खराब होने की संभावना दिखाई दे रही है, इसलिए आज आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आज आपके भाई बहनों की तरफ से आपको लाभ प्राप्ति हो सकती है और उनसे आपके संबंधों में मधुरता आएगी और आपसी तालमेल भी बढ़ेगा। परंतु लव लाइफ के मामले में आज आपके पार्टनर के साथ आपके संबंधों में कड़वाहट आ सकती है और छोटी से छोटी बात पर आपकी उनके साथ कलह हो सकती है, इसलिए आज आपको अपनी जुबान पर काबू रखने की जरूरत है और आज आप संयम से काम लें। आज आप कौए को दाना डालें, इससे शनि देवता आपसे प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। आज यदि आप पीले वस्त्र या बूंदी के लड्डू दान करते हैं तो यह आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। आपका आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। मत करो। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर, या ईमेल के माध्यम से, या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से, या गुरु मां रुक्मणी जी से, या न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपने लिए या अपने बच्चों के लिए एक लकी नाम जानने के लिए, अपने व्यापार के लिए एक भाग्यशाली नाम जानने के लिए, जिससे कि आप दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करें, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, घर कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि तुला यानी कि लिब्रा राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज आपका स्वास्थ्य बिगड़ने से आपकी ऊर्जा और जोश में कमी रहेगी, इसलिए आज आपको अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। आपको अपनी दिनचर्या का भी विश्लेषण करना चाहिए और हेल्दी प्रैक्टिसेस अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप कई दिनों से इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी तलाश रहे थे तो आज आप किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर शेयर बाजार में इन्वेस्ट करें, इससे आपको धन लाभ होगा। आज लेखकों और संपादकों को भी अपने काम में आनंद आएगा, जिससे आप पूरे दिन खुश रहेंगे। आज अपने अध्यापकों की हर आज्ञा का पालन करें और उनका तिरस्कार करने का विचार भी अपने मन में ना लाएं, अन्यथा आप बर्बाद हो जाएंगे। आज घर की मरम्मत के कार्यों में आपका धन और समय व्यर्थ हो सकता है और इस कारण आपको मानसिक अशांति भी हो सकती है। आज तांबे का बिना जोड़ वाला छल्ला अपने हाथ में धारण करने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज बकरी को चारा खिलाने से भी आपको शुभ लाभ मिलेगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज यदि आप किसी से भी बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करते हैं तो आप उसमें असफल होंगे और उल्टा आपको अपमानित भी होना पड़ेगा। आज अपने मित्रों के सामने कंजूसी करने से वे आपका उपहास करेंगे और आपकी रेपुटेशन भी डाउन होगी। यदि आज आप विदेश यात्रा का मन बना रहे हैं तो अभी के लिए उसे टाल दें, क्योंकि बिजनेस के विस्तार के लिए की गई विदेश यात्रा आज सक्सेसफुल नहीं होगी और उससे आपको धन हानि ही उठानी पड़ेगी। आज नया वाहन लेने के लिए दिन उत्तम है। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को भी आज उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आज अपने घर में चांदी का चौकोर टुकड़ा लाकर अपनी तिजोरी में रखने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे और आपके व्यापार में वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि वालों, अगर आप अपने प्रेम संबंधों में प्रेमी प्रेमिका के बीच में कोई भी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित
पुखराज की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनी शिष्य जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं धनु यानी कि सैजिटेरियस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। स्टूडेंट्स आज जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे वे उनको सदा के लिए याद रहेंगे, इसलिए आज अगर स्टूडेंट कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन शुभ है। आज यदि यात्रा करना अत्यंत आवश्यक ना हो तो उसे टाल दें क्योंकि आज आपके साथ दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। आज आप ड्राइविंग भी बहुत ही संभल कर करें। आज आप फिजूल खर्ची करने से भी परहेज करें, इससे आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं, इसलिए आज आपको अपने खर्चों पर काबू रखने की कोशिश करनी चाहिए और केवल जरूरत की चीजों पर ही धन व्यय करना चाहिए। आज आपको अपने पितृपक्ष की ओर से कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आपके दादाजी की तबीयत खराब होने से आज आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। आज यदि आपके घर की छत पर कबाड़ का सामान रखा है तो उसे हटा दें, वह आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वह चमत्कारी उपाय जिसे करके किसी भी राशि का जातक अपने सोए हुए भाग्य को जगा सकता है। आज आप प्रातःकाल उठकर पवित्र होकर भगवान की उपासना करें। आपको आज उपासना करते हुए इस मंत्र का जप करना है। ओम नमो उल्लूक राजाय लक्ष्मी वाहनाय दुर्भाग्य नाशनाय मम सौभाग्य वृद्धि वृद्धि कुरु कुरु श्रीम ह्रीम क्लीम स्वाहा। मैं आप सभी के लिए इस मंत्र को दोहराने जा रहा हूं। ओम नमो उल्लूक राजाय लक्ष्मी वाहनाय दुर्भाग्य नाशनाय मम सौभाग्य वृद्धि वृद्धि कुरु कुरु श्रीम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वाहा। यदि आज आप इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका सोया हुआ भाग्य जागृत हो जाएगा और आपको अपने सभी एफर्ट्स का रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज आपका दांपत्य जीवन में कलेश हो सकता है और लाइफ पार्टनर के साथ झगड़ा होने से आपका मूड भी ऑफ हो जाएगा। आज यदि आप जुआ सट्टा बाजार शेयर इत्यादि में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे आपके मेहनत से कमाया हुआ धन नष्ट हो जाएगा, इसलिए आप इन सभी इन्वेस्टमेंट्स से दूर रहें। आज यदि आप केवल अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी कार्य को करते हैं या किसी की मदद करने की कोशिश करते हैं तो उल्टा आपको ही अपमानित होना पड़ सकता है। आज आपका अकड़ स्वभाव भी समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाएगा। आज आपको अपने ससुराल पक्ष से भी कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आज आपको प्रातःकाल उठकर पवित्र होकर दुर्गा माता की पूजा करनी चाहिए, इससे आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आज आप किसी से भी झगड़ा मोल लेने से परहेज करें, अन्यथा बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकती है जिससे आपका समय और धन बर्बाद होगा। आज आप मेडिटेशन का सहारा लेकर अपने मन को शांत करने का प्रयास करें। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। चलिए अब जानते हैं कि कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज आपको अपने खर्चों पर विशेष तौर पर काबू रखने की जरूरत है क्योंकि आज व्यर्थ के खर्चे ही आपकी मानसिक चिंता बढ़ाएंगे। आज आपको अपने मामा जी के घर से भी कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आज कमर और सिर में दर्द के कारण आप अपने आप को अस्वस्थ महसूस करेंगे, इसलिए आज आपको अत्यधिक काम करने से परहेज करना चाहिए क्योंकि काम की थकान से आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। वर्क प्लेस पर आज हालात आपके लिए उत्तम बने हैं और विशेष तौर पर सरकारी कर्मचारियों को आज प्रमोशन के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यदि आपका कोई सरकारी काम पिछले कई दिनों से अटका हुआ था तो वह भी आज निपट जाएगा। आज काले कुत्ते की सेवा करने से और उसको भोजन कराने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। कुंभ राशि वालों अगर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है या आप अपनी नौकरी में अड़चनों का सामना कर रहे हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित मूंगे की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनी शिष्य जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं
तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूँ। चलिए अब जानते हैं कि मीन यानी कि पाइसेस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज विचारों की अस्थिरता आपकी कंसेंट्रेशन पावर को बुरी तरह से प्रभावित कर देगी, जिससे आप केयरलेस हो जाएंगे और आपसे गलतियां भी अधिक होंगी। इसलिए आज आपको मेडिटेशन का सहारा लेकर अपने मन को काबू में करने की कोशिश करनी चाहिए। आज स्वयं का व्यवसाय करने वाले लोगों को धन हानि हो सकती है और बेवजह की अड़चने आने से आपका क्रोध भी बढ़ सकता है। आज आपको जरूरत है कि आप अपनी संगत का परीक्षण करें, क्योंकि हो सकता है कि आप नालायक और बेवकूफ लोगों की संगत में रहकर समाज की नजरों में अपमानित हो रहे हैं। आज यदि आप तीर्थ यात्रा की योजना बना रहे हैं तो अभी इसके लिए समय शुभ है और भगवान के सानिध्य में रहकर आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे, इसलिए जल्द से जल्द तीर्थ यात्रा के लिए जाएं। आज चांदी का हाथी घर के मंदिर में लाकर रखने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज यदि आप गणेश जी की पूजा करते हैं तो इससे आपको अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूँ। क्या आप कर्जे के बोझ से दबे जा रहे हैं? क्या आपका लोन कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है? क्या आप कर्जदारों से परेशान हो चुके हैं? तो आज ही 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें